के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर बागरबा उन्नाव से आ रही है। पूरे भारत में आपको पता चले कि लॉकडाउन चल रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीती रात शराब की दुकान खोलने का आदेश जारी किया, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने कोई भी लिखित आदेश नहीं उपलब्ध करवाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि इस युद्ध में जंग का फ्रंट लाइन पर आकर जो कोरोना युद्ध में जंग लड़ रहे हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि जंग का सीधा प्रसारण बड़े हिस्से में मेडिकल स्टाफ, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी अन्य का हमें धन्यवाद करना चाहिए, उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए। मोदी ने इस मुहिम को देखते हुए जगह जगह पर लोगों को कोरोना युद्ध का सम्मान करने के लिए कहा, जैसे लोग उसमें आपको बताया चले कि इस सम्मान को देखते हुए लोग आगे भी आ रहे हैं। ऐसा ही नजर जनपद उन्नाव के सफीपुर कस्बे में देखने को मिला, जहाँ पर सफीपुर CEO MP शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जहाँ पर सफीपुर कस्बे की जनता ने पुलिस कर्मियों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया है। क्या इसका उद्देश्य है? ये लॉकडाउन के प्रति लोगों की जागरूकता जगाने के लिए और सबको जागरूक करने के लिए कि सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अधिक से अधिक सहयोग करें, जैसा कि पिछले दिनों किया है ऐसे आगे भी सहयोग करते रहें। सर, उन्नाव जिले में जिस तरह से देखा जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन सफीपुर इस मामले में सौभाग्यशाली है। क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं चूंकि ये स्थिति बरकरार रहेगी? सब सभी कोशिशें की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे कि कोई बाहरी व्यक्ति ना आने पाए, तथा साथ ही साथ उनके चेकअप भी कराए जा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।